बागेश्वर धाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत समूचे क्षेत्र में सफाई करते हुए लोगों को संदेश दिया गया कि स्वच्छता के साथ रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे, रोगों से दूर रहने का यही एक उपाय है। वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, दुकानदारों को भी दुकानों के आगे डस्टबिन रखने के निर्देश दिए गए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। यहाँ आए हजारों लोगों ने भी इस अभियान में अपना योगदान दिया। बागेश्वर धाम पर आज बैठक हुई, यहाँ पर लगभग 1000 होम स्टे, ढाबा और दुकानें, जो बाहर के लोग हैं उनके मालिक, गांव के जिनकी जमीनें हैं उनके, कोई भी कृत्य होता है नाम बदनाम बागेश्वर धाम का होता है, कोई भी व्यभिचार होता है नाम बदनाम बागेश्वर धाम का होता है। तो हमने 5 संकल्प दिलाए हैं। पहली, आने वाले भक्तों की सुरक्षा। दूसरी, स्वच्छता और पवित्रता। तीसरी, हर रविवार 2 घंटे धाम के लिए समय देना। चौथा, यहाँ बागेश्वर धाम पर होने वाले नशा व्यसन को पूर्णतया बंद। पांचवा, अपने मादक पदार्थों की स्वयं जांच करवाएं, नकली मादा से बचें। भगवान की पूजा पाठ आस्था से करनी और वास्तविक करनी, दिखावे से बचना। ये 5 संकल्प दिलाए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत है, समुदाय बहुत है और दुकान का धाम का परिक्षेत्र लगभग 5 किलोमीटर में फैल गया है। सुरक्षा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।